अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 38 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें रेस किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ KP थ्रू सेक्रेटरी होम एंड TAs एंड अदर्स वर्सेस नूरानी गोल थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिविल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट्स कुछ लैंड के ओनर होने का क्लेम कर रहे थे और उन्होंने लैंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स में कुछ एंट्रीज चैलेंज की जो कि रिकॉर्ड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पर शो हो रही थी। ट्रायल कोर्ट ने अपेलेंट्स का सूट डिक्री किया जबकि एपेलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रिवर्स कर दिया और हाई कोर्ट ने फिर से ट्रायल कोर्ट का फैसला ही अपहोल्ड किया। प्रेजेंट सूट में अपेलेंट्स ने हाई कोर्ट की जजमेंट को ही चैलेंज किया था। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि अगर फर्स्ट सेटलमेंट के वक्त पर प्रॉपर्टी अनसेटल्ड ही रहे तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी को ओनरलेस प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात आए तो चाहे पार्टी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट पर भी ये लाजिम होगा कि वह प्रूव करे कि उन्होंने प्रॉपर्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए हासिल की है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये था कि गवर्नमेंट प्रूव करे कि प्रॉपर्टी दरअसल ओनरलेस प्रॉपर्टी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के तहत गवर्नमेंट ने उसकी ओनरशिप अक्वायर कर ली है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के तहत गवर्नमेंट के पास ओनरलेस प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेने का हक है और ये आम तौर पर तब होता है जब कोई इंसान वफात पा जाए या गायब हो जाए और कोई विल या वारिस ना छोड़े और प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत देर तक कोई भी क्लेम ना लाया जाए। जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी किसी गिफ्ट, एक्सचेंज, सेल या स्ट्रीट के प्रिंसिपल से एक्वायर ना की हो, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी को ओनरलेस नहीं कहा जा सकता कि सेटलमेंट के टाइम पर प्रॉपर्टी सेटल हुई ही नहीं थी। शेजान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट शेजान बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट। एपेलेंट ने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क और हाई कोर्ट का डिसीजन चैलेंज किया है जिसमें रिस्पोंडेंट्स को शेजान का लेबल रजिस्टर और यूज़ करने की इजाज़त दी जा रही थी जो कि 1958 से आज की तारीख तक एपेलेंट्स के कंटिन्यूस यूज़ में था और ओवर डेकेड्स उसने कंसिडरेबल गुडविल एक्वायर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क आइडेंटिकल टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स परमिसिबल है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क आइडेंटिकल टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स परमिसिबल नहीं है। सेक्शन 6 मैंडेट करती है द डिस्टिंक्टिवनेस रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सेम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन अलाउ करने से कस्टमर्स डिसीव होंगे ऑफ द अपेलेंट्स गुड्स क्योंकि वो तो यही अज्यूम करेंगे कि वो अपेलेंट्स के गुड्स खरीद रहे हैं और ये सेक्शन 8A के साथ कॉन्ट्रवीन करेगा। 2022 CLC 1048 अब्दुल राजिक वर्सेस मोहम्मद रफीक एंड अदर्स बलूचिस्तान हाई कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने ओरिजिनली एक प्रॉपर्टी के हवाले से सूट फॉर प्रीएम्प्शन फाइल किया था जिसके मुताबिक प्लेंटिफ ने म्यूटेशन रिकॉर्ड 12:26 AM पर इंस्पेक्ट किया। अब अपनी रिटन स्टेटमेंट में रिस्पोंडेंट ने इसी चीज़ को अपनी डिफेंस बनाकर कहा कि क्योंकि रात 12:26 AM पर पटवारी अपने ऑफिस में नहीं होता, पिटिशनर का सूट जो कि इस बेसिस पर मबनी था कि उन्हें रात 12:30 बजे म्यूटेशन का पता चला, इंतहाई डाउटफुल था। पिटिशनर्स ने फिर CPC के सेक्शन 153 के तहत अपनी प्लेंट में इस टाइमिंग की मिस्टेक को करेक्ट करवाने की कोशिश की क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने 12:26 PM लिखना था और 12:26 AM लिखना महज एक क्लरिकल एरर था। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू यह था कि फ्रेज केस डिसाइडेड का क्या मतलब होता है। इस इशू पर कोर्ट ने 1992 SCMR 718 और 1998 SCMR 1798 को साइड करते हुए कहा कि फ्रेज केस डिसाइडेड का यह मतलब नहीं होता कि पूरे का पूरा सूट डिसाइड हो चुका है। केस डिसाइडेड फ्रेज के अंदर वो सारे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स और इंटरिम मेजर्स भी आते हैं जिन पर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया हो और जो कि पार्टीज के दरमियान किसी सब्सटैंशियल कॉन्ट्रोवर्सी को एड्रेस करे। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या प्रीएम्प्शन के सूट में टाइम को चेंज करवाने के लिए CPC के सेक्शन 153 को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने PLD 2001 SC 13, 2015 SCMR 92 और PLD 2007 SC 302 को साइड करते हुए इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि प्रीएम्प्शन के सूट में डेट और टाइम इंतहाई ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि प्रीएम्प्शन के सूट में जैसे ही राइट असर्ट करने वाली पार्टी को सेल का पता लगे, उन्होंने अपनी प्रीएम्प्शन की राइट को असर्ट करना होता है और इस चीज़ में थोड़ा सा भी डिले उनकी राइट को डिफीट कर सकता है। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने अपनी प्लेंट में तब तक टाइम को अमेंड नहीं करवाया जब तक रिस्पोंडेंट्स ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में इस चीज़ को डिफेंस के तौर पर पॉइंट आउट नहीं किया।
ये शो करता था कि पिटिशनर्स सेक्शन 153 के तहत ये चेंज करवा कर रिस्पोंडेंट की इस पूरी डिफेंस को ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी सेक्शन 153 के तहत एप्लीकेशन के पीछे नियत बोनाफाइड नहीं थी। इसीलिए पिटिशनर की इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। ग्वासिया रियाज अगेंस्ट जॉइंट एडमिशन कमेटी फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर थ्रू चेयरमैन एंड फोर अदर्स। पिटिशनर ने मेडिकल कॉलेज में डिसेबल कैंडिडेट्स की रिजर्व सीट पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया और पिटिशनर को वो सीट डिनाई हो गई। पिटिशनर ने सेक्रेटरी हेल्थ के आगे फैसले के खिलाफ अपील फाइल की। जस्टिस सैयद शाहिद बहार ने कहा कि पिटिशनर ऑलरेडी अपेलेट कोर्ट को अप्रोच कर चुका था ऑन ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स एजिटेटेड बिफोर द हाई कोर्ट। एक अपेलेट फोरम के सामने इंस्टीट्यूशन ऑफ एन अपील के बाद पिटिशनर की साइमल्टेनियस अप्रोच टू स्विच ओवर फ्रॉम देयर बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ टेक्निकल मैटर टेनेबल इन टोटो नहीं थी। वाहिद रिलीफ जो मेंटेनेबल थी वो ये थी कि उसकी अपील डिसाइड करने के हवाले से जो डायरेक्शन सेक्रेटरी हेल्थ को दी जाए वो इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ पॉलिसी नोटिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हो, लिहाजा रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई। लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रहमान वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 राजनपुर। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने पिटिशनर के खिलाफ एक एविक्शन पिटिशन फाइल की जो कि अलाउ कर दी गई और जिसे एपेलेट कोर्ट ने अपहोल्ड किया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने दोनों लोअर कोर्ट के कंकरेंट जजमेंट को ही चैलेंज किया था। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने 4 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि फैमिली सेटलमेंट और पार्टीशन की क्या लीगल वैल्यू है। इस मौजू पर कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ में कोई डाउट नहीं कि अगर पार्टीज आपस में कोई फैमिली सेटलमेंट और पार्टीशन रीच करे तो ऐसी सेटलमेंट कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, अलबत्ता ऐसा करने के लिए पार्टीज़ के एक्शंस को लॉ के नीचे किसी किस्म की रिकग्निशन हासिल होनी चाहिए। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि किसी को ओनर के खिलाफ एविक्शन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए किसी अनप्रूवन टेनेंसी अग्रीमेंट और प्राइवेट सेटलमेंट को बेसिस बनाया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे अग्रीमेंट को एक को ओनर के खिलाफ एविक्शन की बेसिस नहीं बनाया जा सकता। इस केस का थर्ड इशू ये था कि अगर पार्टीज के दरमियान का रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिसाइड किए बगैर डिटरमिन ना किया जा सकता हो तो ऐसी सिचुएशन में एविक्शन पिटिशन को किस तरह डिसाइड करना चाहिए। इस इशू के हवाले से कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो लैंडलॉर्ड को सबसे पहले अपना टाइटल डिटरमिन करवाने के लिए अप्रोप्रिएट फोरम के पास जाना चाहिए, क्योंकि रेंट ट्राइब्यूनल टाइटल का इशू डिसाइड करने के लिए एक कॉम्पिटेंट फोरम नहीं है। इस केस का आखिरी इशू ये था कि क्या हाई कोर्ट नीचे दिए गए दो फोरम्स की कंकरेंट फाइंडिंग्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते वक्त कोर्ट को लोअर फोरम्स की कंकरेंट फाइंडिंग्स के साथ इंटरफेयर करने से गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता यह कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है और अगर कोर्ट को लगे कि लोअर फोरम्स की फाइंडिंग्स परवर्स है या उनसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा तो वो इनके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। अयाज अली रजपार एंड अनदर अगेंस्ट एडवोकेट जनरल सिंध एंड 3 अदर्स। पिटिशनर ने एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध के खिलाफ नॉन कम्प्लायंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट की बेसिस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनवोक की। एडवोकेट जनरल ने दूसरी तरफ ये प्ली रेस की कि हाई कोर्ट का पास किया हुआ इंटरिम ऑर्डर फाइनली मर्ज हुआ इनटू फाइनल ऑर्डर पास्ड 8 डेज लेटर और कोई डायरेक्शन नहीं थी जो उसे रिस्ट्रेन करे फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज पावर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमजद अली सहीटो ने कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लिटिगेटिंग पार्टी की विम या डिजायर पे नहीं इनिशिएट हो सकते। एलिजिड कंटेम्प्टर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि उस एलिजिड कंटेम्प्टर ने कोई ऐसी एक्ट की हो जो विद इन द मिस्चिफ ऑफ लॉ ऑफ कंटेम्प्ट फॉल करे। इंटरिम ऑर्डर हमेशा फाइनल ऑर्डर में मर्ज करता है और फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस होने के बाद सर्वाइव नहीं करता। जब एक दफ़ा विनिंग कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर और गजेट में नोटिफाई हो गया था तो तब इलेक्शन पे ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट के पास उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जा सकती, लिहाजा एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल मालिक वर्सेस अब्दुल सत्तार। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रेगुलर फर्स्ट अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में पिटिशनर के खिलाफ सीपीसी के ऑर्डर 37 रूल 2 के तहत एक सूट फॉर रिकवरी फाइल किया गया और लर्न्ड ट्रायल कोर्ट ने इसे डिक्री कर दिया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने 4 मेन इशूज़ थे। पहला इशू ये था कि क्या कंसिडरेशन हमेशा मनी या पैसों की फॉर्म में ही होती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा पैसों की ही फॉर्म में हो। इसके बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जिनमें से एक फॉर्म ये भी है कि एक पार्टी कोई एक काम करने से या एक्शन लेने से अब्सटेन करे या गुरेज करे। एक शख्स का कोई काम या एक्शन ना करना उसे दूसरी पार्टी के खिलाफ राइट्स देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के तहत कंसिडरेशन के जुमरे में फॉल करता है।
इसीलिए कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं होता और किसी भी किस्म का बेनिफिट कंसिडरेशन हो सकता है। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि किसी डिस्प्यूट या इशू को छोड़ देना या अबैंडन कर देना वैलिड कंसिडरेशन के तौर पर काउंट होता है। इस मौजू पर कोर्ट ने कहा कि एक डिस्प्यूट को अबैंडन कर देना वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है अगर एंड पर यह बात पता भी चल जाए कि उस क्लेम का कोई फाउंडेशन नहीं था, फिर भी एक डिस्प्यूट को अबैंडन करना वैलिड कंसिडरेशन इसलिए होगा क्योंकि इस कॉम्प्रोमाइज की बेसिस पर जिस इंसान को यह प्रॉमिस दिया गया था वो लिटिगेशन की अनसर्टेनिटी से बच गया था और इसे बेनिफिट मिला था। इस केस का थर्ड इशू ये था कि क्या किसी की पुरानी लायबिलिटीज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जीक्यूशन के थ्रू सेटल हो सकती है और क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स उन पुरानी लायबिलिटीज को मेंशन किए बगैर एग्जीक्यूट हो सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कोई लायबिलिटी या कंसिडरेशन पे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी कंसिडरेशन को इंस्ट्रूमेंट पर मेंशन करना लाजमी नहीं है। अलबत्ता सिर्फ ऐसा करने से दूसरी पार्टी सीपीसी के ऑर्डर 37 के नीचे दिए गए रूट से महरूम नहीं हो जाती, खास तौर पर अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि उस इंस्ट्रूमेंट को पुरानी लायबिलिटी सेटल करने के लिए एग्जीक्यूट किया गया था। इस केस में आखिरी इशू ये था कि ये बात प्रूव करने का बर्डन किस पार्टी पर होता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के बगैर ड्रॉ की गई है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 118 के तहत ये एक प्रिजम्पशन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ किया गया था। ये प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ कि इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के बदले में एग्जीक्यूट नहीं की गई उस पार्टी पर होता है जो कि डिनाई कर रही थी कि कंसिडरेशन नहीं दी गई। महज ये चीज़ डिनाई कर देना कि कंसिडरेशन नहीं दी गई इस प्रिजम्पशन को ऑन इट्स ओन रिबट करने के लिए काफ़ी नहीं है। पलक शेर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्सेट्रा आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने PSCA की ई टिकट्स इशू करने की अथॉरिटी और उसकी लाइबिलिटी फॉर ई टिकट्स आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिज बस को चैलेंज किया है। अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि क्या प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 116A ई टिकट्स को भी केटर करता है और दूसरा ये कि क्या एक ट्रैफिक ऑफेंस पर्सनल लाइबिलिटी इंटेल करता है और क्या सिर्फ वही शख्स पीनलाइज होगा जो उसे कमिट करेगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पहले सवाल पे कहा कि प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 116A ई टिकट को नहीं केटर करता और दूसरा ये कि एक ट्रैफिक ऑफेंस पर्सनल लाइबिलिटी इंटेल करता है और सिर्फ वही शख्स पीनलाइज होगा जो उसे कमिट करेगा, ना कि व्हीकल का ओनर। 2022 CLC 1054 मोहम्मद खालिद अली खान वर्सेस कोर्ट ऑफ मिनिस्टर कोऑपरेशन सिंध हाई कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के दरमियान एक प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्प्यूट अराइज किया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने इस हवाले से रजिस्ट्रार के सामने एक अपील फाइल की और रिस्पोंडेंट के फेवर में अवार्ड आ गया। इस इशू पर पिटिशनर ने फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामने एक रिविजन फाइल की जिसमें वो जीत गए, लेकिन फिर रिस्पोंडेंट ने इस फैसले के खिलाफ मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सामने अपील फाइल की जिसे एक्सेप्ट करते हुए ये मैटर दोबारा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न कर दिया गया। प्रेजेंट केस में पिटिशनर ने इसी ऑर्डर को चैलेंज किया जिसमें यह केस दोबारा रिटर्न कर दिया गया था। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या इस केस में रजिस्ट्रार को ऑर्डर लॉ के मुताबिक दिया गया था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार ने सिर्फ इस बेसिस पर रिस्पोंडेंट के हक में दिया गया अवार्ड रिजेक्ट कर दिया और उनके हक में फैसला नहीं दिया कि रिस्पोंडेंट की जानिब से कोई भी उनके सामने पेश ही नहीं हुआ। कोर्ट के मुताबिक जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 24A के तहत अगर किसी भी अथॉरिटी को कोई फैसला करने की अथॉरिटी दी गई हो तो उसे यह अथॉरिटी और पावर लॉ के मुताबिक एक्सरसाइज करनी होती है। क्योंकि रजिस्ट्रार का ये ऑर्डर एक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, ये लॉ के मुताबिक पास नहीं किया गया था। इस केस में कोर्ट ने दूसरी बात ये नोट की कि एपलेट फोरम की जानिब से दिया गया डिसीशन सिर्फ एक लाइन पर मबनी था और ये फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं करता था, इसीलिए इस केस को फिर से फ्रेश फैसले के लिए रजिस्ट्रार के पास रिमांड कर दिया गया। गुलाम हुसैन अगेंस्ट मंजूर हुसैन, पिटिशनर ने ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्यून किया। अदालत के सामने सवाल ये था कि कोर्ट का ऑर्डर फॉर डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन बगैर कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉन डिपॉजिट प्रोवाइड किए क्या प्लेंटिफ के केस को एडवर्सली अफेक्ट या प्रेजिडिस करता है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर फॉर डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन बगैर कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉन डिपॉजिट प्रोवाइड किए प्लेंटिफ के केस को एडवर्सली अफेक्ट या प्रेजिडिस नहीं करता। ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट पोर्शन ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू इंटरिम रिलीफ से इंडिपेंडेंट था। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।